नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम आयुक्त सभागार में मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही कामों में ढिलाई और लापरवाही मिलने पर अफसरों की क्लास भी लगाएंगे। इस दौरान सभागार में झांसी के सभी अफसर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुराटा गांव में बन रही पानी की टंकी का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। साथ ही 86 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनाई जा रही टंकी का भी निरीक्षण करेंगे। तो खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर जाएंगे। तो आपको बताते चले कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उनके जितने भी मंत्री हैं वो जनपदों में पहुंचकर वहां जमीनी स्तर का निरीक्षण कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में कल का सर्वे खत्म हो गया है और आज फिर दोपहर 3 बजे से सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू होगा। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल थे। जब यहां टीम पहुंची तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया था, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां गौरी और दूसरे विग्रह तथा दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोक नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां कहां है इस पर सर्वे होगा। तो आपको बताते चले कि बीते दिनों एक सर्वे किया गया था, वहीं आज भी एक सर्वे दोपहर 3 बजे से किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। मथुरा में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां थाना नौगही झील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा माइलस्टोन 68 के पास हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर वैगनार कार और अज्ञात वाहन में जोरदार टक्कर हुई, इसमें कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि हादसे में कार में सवार 3 पुरुष और 3 महिला और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने गहरा दुख भी जताया है। तो इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरह ये हादसा हुआ। वह इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वह इस पूरे घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए गहरा दुख जताया है। थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइल स्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन यूपी 16DB9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। एक पुरुष एक बच्चा घायल है, जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। यह वाहन संडीला हरदोई से नोएडा की ओर एक वैवाहिक समारोह में जा रहा था। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी के साथ ही अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत आज से ही पूरे देश में लागू हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम ऐसे वक्त में बढ़े हैं जब आम आदमी पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार पहले से ही झेल रहा है। तो एक बार फिर से जनता पर महंगाई का डबल अटैक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले ही आम आदमी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजनौर के गांव की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में गांव का प्रधान एक महिला को सरेआम डंडे से मारता हुआ नजर आ रहा है। वही पीड़ित महिला का आरोप है कि प्रधान उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश कर रहा था, जिसका विरोध करने पर प्रधान ने उसे मारना शुरू कर दिया। वही एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रधान की गिरफ्तारी के लिए भी अब आदेश जारी कर दिया है।
जनपद बिजनौर में महिला के पीटने संबंधित वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला थाना चाँदपुर के बेरखेड़ा गांव का कल शाम का है। अफगान का एक साजिद नाम के मौजूदा प्रधान ने एक महिला जो उसी समुदाय की है, मुस्लिम समुदाय की, पंचायत घर के पास खेत के पास मामूली कहा सुनी को लेकर के उसके साथ मारपीट किया, अभद्रता किया। इस संबंध में छेड़खानी एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौजूदा प्रधान को हिरासत में एवं हवालात के अंदर रखा गया है। विधिक कार्रवाई करके आज उसे जेल भेजा जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर जिला बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है जिनको सील किया जाना है। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2019 और 20 में ऐसे 34 स्कूल्स को नोटिस भेजा था जो अवैध रूप से संचालित थे, और अब उन स्कूलों को सील करके इसमें पढ़ रहे बच्चों का मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर अवैध तरीके से संचालित हो रहे स्कूलों पर सरकार का ताला लगता हुआ नजर आएगा। देखिए, जनपद अलीगढ़ के लिए क्या पूरे प्रदेश के लिए ये जो अमान्य स्कूल है, इस पर डायरेक्टर साहब का विशेष वो है कि जो अमान्य स्कूल चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी से अपने सूचना मांगी है कि अपने ब्लॉक का भ्रमण कर लें और ये चिन्हित कर लें कौन सा स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, और उस पर गैर मान्यता प्राप्त होने के बाद उसको नोटिस आना जो कार्रवाई की जाएगी वो उसके बाद आएगी। अभी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही लेटर हमने जारी किया है, तो सूचना हम कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई गैर मान्यता विद्यालय कहीं चलता पाया गया तो खबर अलीगढ़ के मदीना कॉलोनी के भुजपुरा क्षेत्र से है, जहां लोग दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र के लगभग 50,000 लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं, जिससे उनके घर का बजट अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अपर नगर आयुक्त का इस मामले पर कहना है कि मदीना कॉलोनी और भोजपुरा में पुरानी तर्ज पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने से गंदा पानी आ रहा है, और जल्द ही लीकेज पाइपलाइन को सही करवा दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में है कि अमृत योजना के तहत वार्ड नंबर 55 जो आप मदीना और भोजपुरा क्षेत्र बता रहे हैं, उसके लिए नए ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं और नए ट्यूबवेल्स बनाए गए, जिनकी कमीशनिंग का काम और टेस्टिंग का काम अभी चल रहा है, जिसके कारण गंदे पानी की शिकायत हो सकती है। जहाँ जहाँ से भी गंदे पानी की शिकायत प्राप्त हो रही है उसको हम लोग प्राथमिकता पे, सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसका निस्तारण करा रहे हैं। फिर भी एक बार पूरे उस क्षेत्र का मैं सघन निरीक्षण करा के जहां भी गंदे पानी की शिकायत होगी उसको। फरुखाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां पुनारी रंजिश में युवक का अपहरण कर गोलियों से उसे भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया है और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। वहीं आनन फानन में SP समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि थाना अमृतपुर क्षेत्र के कस्बे की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां दबंगों के बुलंद हौसलों की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई है। थाना अमृतपुर के अंतर्गत जो अमृतपुर गांव है, वहां पर सुबह सुबह एक विवाद हुआ है, जिसके अंदर जो दिनेश कुमार अवस्थी है उनकी गोली लगी है, उनकी वाइफ जो मीरा है उनको पांव में गोली लगी है, और उनके जो पुत्र हैं पीयूष अवस्थी उनको उनके सर में गले में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में यहाँ पर हम एडिशनल SPCO और हमारा नेटवर्क है वो मौके पर उपस्थित है, और यहाँ पर पूरा घटनाक्रम की जो जानकारी की गई है जो वादी पक्ष है उससे, उसने बताया है कि इन्हीं के जो पारिवारिक लोग जो इन्हीं के घर के अगल बगल में रहते हैं, उनके जो 10-12 लोग हैं जिसमें अरुण उर्फ अन्य लल्ला है और अन्य लोगों के जो नाम बताए हैं, वो सुबह करीब इनके घर के अंदर घुसे हैं 6:30 बजे, और घर में घुसने के बाद इनके साथ मारपीट की है। जो यहाँ पर जो विवाहित जमीन है वहाँ पर इनका जो बेटा है पीयूष उसको लाकर और उसकी गोली। राजस्थान
रायबरेली में इन दिनों अपराध और चोरी जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हत्या, लूट और चोरी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जबकि पुलिस चोरों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जहां चांदपुर गांव में 3 घरों से चोर लाखों का माल और लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए और पुलिस किसी भी चोर का खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही है। चोरी हुई है घर पर। लगभग कितने की? अरे लगभग 2.5 लाख का। क्या क्या गया है? ज्वेलरी गई है और 15,000 रुपये नकद गए हैं। और बस यही सब थे ज्वेलरी में। ये क्या कहते हैं, मतलब माला था, पायल थे, यही सब। औरैया में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को इस मामले की सूचना दी है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि वो देर रात घर से चला गया था। वहीं उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के जमाल तिराहे का ये पूरा मामला है। से सामने आ रही है जहां युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद राहगीरों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरी घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। अलीगढ़ जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे को भारत निर्वाचन आयोग ने प्रमाण पत्र दिया है। दरअसल प्रमाण पत्र उन्हें विधानसभा और जिला पंचायत के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिया गया है, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे मतदान का प्रतिशत काफी बढ़ा था। वही अब मतदान के प्रतिशत बढ़ने को लेकर अलीगढ़ के जिलाधिकारी को सम्मानित भी किया गया है। चुनाव के समय, अभी रिसेंटली चुनाव, 2 चुनाव हुए हैं। एक तो इसका है, MLA इलेक्शन था, और MLC इलेक्शन भारत इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें हम लोगों ने कई प्रोग्राम स्वीप में किए थे, उसके क्रम में हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड हासिल किया हमारे जनपद के, मतलब सभी पब्लिक कोऑर्डिनेशन के साथ। एक तो हम लोगों का BLOs का ट्रेनिंग है, जो सिंगल वेन्यू में लार्जेस्ट नंबर ऑफ BLOs का ट्रेनिंग का था। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसका कि हमारा एक मैराथन चला, जिसमें मैराथन गांव के और सभी लोग, जितने भी वोटर्स हैं, उनके हाथ से पास हुआ था। लगभग 44,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। लॉन्गेस्ट मैराथन था और अराउंड 687 किलोमीटर्स अराउंड पूरा जनपद में हमारा बैटन घुमा। इन दोनों में हमारे जन उन्नाव में गंगा नहाने आए 7 बच्चे नदी में डूब गए, जिसके बाद 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इन बच्चों की नहाते समय गहराई में जाने से मौत हुई है। बच्चों के डूबने पर चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग और गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 4 बच्चों की जान नहीं बचा सके। मृत किशोरों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि इस दौरान घटनास्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट, ASP समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। आज 4 बच्चे कानपुर नगर के स्नान करने के लिए आए थे, उनके डूबने की दुखद सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है। 4 बच्चों की इसमें मृत्यु हो गई है। कानपुर नगर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के और आगे की विधिक कार्रवाई करा रही है। इस दुखद घटना पर उन्नाव की पुलिस द्वारा मैं सहानुभूति और शोक प्रकट करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जैद। कैसे घटना हुई थी, कितने लोग नहाने आए थे, क्या हुआ? 7 लोग नहाने आए थे, हम लोग किनारे बना रहे थे और 4 लोग आ गए थे बीच पे, जहाँ पे गहरा वहाँ पे नहा रहे थे। एक रेल आई, वहाँ पे रेल के साथ उन लोग बहे और डूब के खत्म हो गए। एक लड़का आया था बचाने, वो भी डूब रहा था, तो ये पल्लू भी वाले बचा ही था। कितने लोग खत्म हो गए? 4। कितने लोग आए थे आप लोग? 7। कहाँ से आए थे नहाने? न्यूरा गांव, श्याम नगर। सर मोहम्मद हलीम नाम है। कैसे घटना हुई, क्या घटना? ये साहब, ये 7 लड़के कोठी के बाहर नहा रहे थे,
और नहाते नहाते वो गहरे पानी में अचानक चले गए और सातों डूबने लगे। उसके बाद में किसी से दोस्तों बाहर निकल आए, एक को जिंदा हमारी टीम के बच्चों ने बचा लिया और चार वहीं समाप्त हो गए। तत्काल आनंद फानन हाजी शकील और मोहम्मद हलीम की टीम आई हमारी गोताखोर और तत्काल एक घंटे के अंदर में चारों बाड़ियां प्राप्त। चंदौली के सिकंदरपुर गांव के पास चंद्रप्रभा में नदी किनारे खेल रहे बच्चों को मगरमच्छ ने तालाब में खींच लिया और जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस के साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से करीब 5 घंटे बाद बच्चे के शव को नदी से बरामद किया गया। वहीं इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चकिया मुगलसराय मार्ग को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे SDM चकिया के आश्वासन के बाद ये जाम खुल गया है। शव मिला है, क्या है मामला? सिकंदरपुर में एक विजयपुर गांव में सूचना प्राप्त हुई कि दोपहर के आसपास हो सकता है किसी मगरमच्छ ने छोटे बच्चे को शायद अपनी पकड़ में ले लिया हो नहाते वक्त। तत्काल सूचना मिलते ही चकिया SHO को रवाना किया गया, मौके पर पहुंचे तहसीलदार चकिया भी मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ वन विभाग के कर्मचारी AB सिंह जी भी जो हमारे फॉरेस्ट रेंजर हैं मौके पर पहुंचे, सिंचाई विभाग को भी भेजा गया और NDRF बनारस को भी रवाना किया गया और लगभग 4:30 बजे के आसपास लाश को ढूंढ लिया गया है। बेहद ही दुखद घटना है और सभी परिवार वासियों को, ग्रामीण वासियों को ये सभी को कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए उस जगह की सफाई कल से शुरू करवाई जाएगी। साथ ही साथ अगर गांव के आसपास और ऐसे मगरमच्छ होते हैं, पाए जाते हैं, तो कल से जाल बिछाकर उनको। खबर बरेली से है जहां अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन ने थाना सिविल लाइन के पुलिस कर्मियों के साथ कचहरी चौराहा, जिला अस्पताल समेत जनपद के मुख्य चौराहों पर पैदल गश्त किया। वही फुट पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ने जनता के साथ संवाद भी स्थापित किया। साथ ही जनपद में धार्मिक स्थलों, स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मनचलों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया। तो इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरह बरेली में पुलिस प्रशासन द्वारा पैदल गश्त करते हुए जनपद की जो जनता है उनको सुरक्षा का एहसास कराया। एटा के कासगंज से बारात लेकर दुल्हन की आस में निकले दूल्हे का दोबारा शादी रचाने का प्लान उस वक्त खुला जब फेरे होने से पहले दूल्हे की भतीजी ने दुल्हन के परिजनों को उसकी पहली शादी की जानकारी दे दी। बस फिर शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जिसके बाद दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे और उसके परिजनों को मौके पर ही बिठा लिया। वही इस पूरे मामले पर ग्राम प्रधान दूल्हे को बंधक बनाए जाने की बात से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। वही ग्राम प्रधान का कहना है कि शादी तय होने के समय जो भी लेन देन दोनों परिवारों के बीच हुआ है उसे आपसी सहमति से सुलझा कर पूरे मामले को खत्म कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।